जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जब डिटेल में पढ़ रहे थे तो हमने इडियम्स एंड फ्रेज को उसको ख़त्म कर दिया है। उसके कुछ पार्ट बचे हुए हैं, हम लोग उसको बाद में देखेंगे। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। क्या प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे? इडियम्स एंड फ्रेज का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो जितने भी हम लोग इडियम्स पढ़े हैं या कुछ और इधर उधर हुआ होगा, तो हम इसमें प्रैक्टिस से सीखेंगे और कैसे हम लोग कैसे क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है टू स्ट्रेन एवरी नर्व्स। टू स्ट्रेन का मतलब होता है तंत्र को तत्पर कर देना या तैयार कर देना। एवरी नर्व्स माने प्रत्येक तंत्रिका तंत्र को, अर्थात प्रत्येक तंत्रिका तंत्र को कार्य पे लगा देना। टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, पहला ऑप्शन दिया हुआ है टू मेक अटमोस्ट एफर्ट। दूसरा दिया हुआ है टू फील वीक एंड टायर्ड, टू बी डिलीजेंट वर्कर या टू बी मेथोडिकल इन वर्क। तो ध्यान दीजिए, टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है अपनी सारी ताकत लगा देना। टू मेक एफर्ट, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें, और ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। बताया गया है टू फ्लॉग माने होता है कोड़े मारना, अ डेड हॉर्स माने एक मरे हुए घोड़े को। एक मरे हुए घोड़े को अगर आप कोड़े मारेंगे तो क्या है वो जिंदा हो जाएगा, क्या है वह भागने लगेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा आप अगर कर रहे हैं तो आप व्यर्थ का एफर्ट कर रहे हैं, व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, टू व्हिप अ डेड हॉर्स ये तो होगा नहीं। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वेस्ट वंस एफर्ट, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वीकनेस। तो ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। वेस्ट योर वंस एफर्ट्स ये आपका सही होगा, ये आपका ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट वंस एफर्ट्स, कि आप अपना टाइम अपने प्रयास को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मरा हुआ घोड़ा है वो कुछ होगा नहीं उसमें, चाहे जितना आप कोड़ा मार लीजिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला दिया हुआ है क्वेश्चन। दिया हुआ है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। टू शो माने दिखाना, अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। अब ध्यान दीजिए, इसको इस तरीके से समझिए, अ क्लीन माने साफ, पेयर ऑफ हील्स माने दोनों पैरों की एड़ियाँ। क्लीन माने साफ हो जाना, साफ होने का मतलब यहाँ से गायब हो जाना। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, अगर गायब हो जाएंगे अर्थात भाग जाना, अर्थात क्या हो जाना, भाग जाना। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब भाग जाना, टू हाइड नहीं होगा। टू परस्यू माने पीछा करना नहीं होगा। टू स्केप माने भाग जाना, ये सही होगा आपका, ये तीसरा भी नहीं होगा। टू फॉलो माने पीछा करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टू डाई इन हार्नेस। डाई माने मरना, इन हार्नेस माने कार्य करते समय, अर्थात सर्विस करते समय ही मृत्यु हो जाना, उसी को बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। तो देखिए, प्रीमेडिटेटेड मर्डर ये नहीं होगा आपका। डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट ये भी नहीं होगा। टू डाई व्हाइल इन सर्विस, यस ये होगा, मृत्यु जब आप सर्विस कर रहे हो। और टू बी टेकन बाय सरप्राइज ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं पांचवा। जैसा कि पांचवा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है टू फीदर वंस नेस्ट। तो देखिए,
हमने बताया था, एक था फिदर को लेकर, तो फिदर को लेकर यहाँ पे हमने इस तरीके से बताया था, टू फिदर वंस नेस्ट का मतलब होता है किसी के घोंसले में पंखे होना। तो किसी के घोंसले में पंखे होना, उसमें हमने इस तरीके से बताया था कि आप अमर्यादित तरीके से लाभ उठा रहे हैं, या किसी बेईमानी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं और अपने पंखे को, अर्थात पंखों को अपने घोंसले में रख रहे हैं। तो टू टेक अ रेजिडेंशियल हाउस, ये आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत है। सम थिंग्स दैट लॉस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये भी आपका गलत है। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, हाँ ये आपका सही है, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। नन ऑफ द एबव, ये नहीं है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं अगला। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टू डॉक्टर द अकाउंट्स। डॉक्टर माने डॉक्टर होता है, और एक डॉक्टर माने होता है हेरा फेरी करना। क्या करना, हेरा फेरी करना, अर्थात अकाउंट में हेरा फेरी कर देना, चोरी कर लेना, ठीक है, कपट कर लेना, उसको बोलते हैं टू डॉक्टर द अकाउंट्स। तो टू डॉक्टर द अकाउंट्स मतलब होता है चोरी कर लेना। डॉक्टर माने चोरी कर लेना, द अकाउंट्स माने खाते से, खाते से चोरी कर लेना, अर्थात हेरा फेरी कर देना। तो देखिए, टू मेक चेंजेज इन अकाउंट बुक, ये आपका गलत है। उसके बाद टू क्लियर द डॉक्टर्स बिल, ये भी आपका गलत है। टू वेरीफाई द अकाउंट्स इन डिटेल्स, ये भी गलत है आपका। इस तरीके से चौथा नंबर आपका सही होगा, मैनिपुलेट माने हेरा फेरी करना, द अकाउंट्स माने अकाउंट्स का। तो टू डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब हो जाएगा टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सी कुड नेवर मेजर अप टू, तो आपका ये idiom से मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। तो ध्यान दीजिए, मेजर अप टू, मेजर माने माप करना, अप टू मतलब लेवल तक बढ़ाना, अप टू माने उस लेवल तक आना। तो देखिए, सी कुड नेवर, वह कभी नहीं कर सकी मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, अपने माता पिता के आशा के अनुरूप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रीच द लेवल, वर्क एज हार्ड, ये आपका गलत हो जाएगा, उस लेवल तक नहीं पहुँच पाना। मेजर अप टू का मतलब होता है रीच द लेवल, रीच द लेवल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। एस इज द अमाउंट, ये गलत हो जाएगा। इंक्रीज द हर हाइट, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो, स्टोल द शो। अब ध्यान दीजिए, अ लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, फ्लॉलेस माने त्रुटिहीन, फ्ला मतलब होता है गलती, और लेस है तो जिसमें गलती ना हो। तो द लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस माने प्रदर्शन, स्टोल द शो, स्टोल द शो का मतलब स्टोल माने चुरा लेना, द शो माने प्रदर्शन को, अर्थात सब प्रदर्शन को या शो को चुरा लेना। शो मतलब कोई शो हो रहा है, उसको चुरा लेने का मतलब अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रही है, या अपनी ही ओर ध्यान आकर्षित कर ले रही है, उसको बोलते हैं स्टोल द शो, उसको क्या बोलते हैं, स्टोल द शो। तो यहाँ पे देखिए, स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, ये आपका गलत हो जाएगा। क्रिप्ट इन टू द शो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओन एवरी बॉडीज प्रेज, ये आपका सही है। ठीक है, ओन एवरी बॉडीज प्रेज, और डिसअपियर्ड फ्रॉम द शो, ये आपका गलत है। अर्थात वह स्टोल द शो का मतलब होता है सभी की प्रशंसा अपनी ओर कर लेना, अर्थात सभी उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्टोल द शो, ओन एवरी बॉडीज प्रेज। ठीक है, सभी की प्रशंसा को जीत लेना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ, द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। अब देखिए, द थीफ वॉज, जो चोर था, वॉज माने था, ऑन गुड टर्म्स माने
अच्छे टर्म्स माने नतीजे या कंडीशन पर, विद द पुलिस माने पुलिस के साथ, अर्थात जब चोर पुलिस के साथ अच्छे तरीके से रह सकता है, अर्थात वो उसके साथ फ्रेंडली हो गया है। क्या हो गया है? फ्रेंडली। तो ऑन गुड टर्म्स का मतलब होता है फ्रेंडली हो जाना, तो वॉज फ्रेंडली। देखिए वॉज फ्रेंडली आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये आपके गलत हैं, ये आपके गलत हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं दसवां क्वेश्चन। दसवें क्वेश्चन में दिया हुआ है जॉन्स ऑफर्स ऑफ हेल्प वॉज टर्न डाउन बाय द पुलिस। टर्न डाउन, टर्न डाउन माने होता है टर्न डाउन कर देना, टर्न मतलब घुमा देना, डाउन माने नीचे, नो। तो जैसे क्या होता है, मना कर देना। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? मना कर देना। तो जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वॉज टर्न डाउन बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा टर्न डाउन कर दिया जाता है, अर्थात मना कर दिया जाता है। सेंट बैक ये नहीं होता है, ट्विस्टेड अराउंड नहीं होता है, रिफ्यूज कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। हैंडेड ओवर गलत है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।